क्वेश्चन शुक्ला जी, कृति जी एंड मैडम, आपको डबल कांग्रेचुलेशन के लिए आपकी लगे। यस, थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक ट्रिपल कांग्रेचुलेशन क्योंकि आप शादी करा रही हैं। तो कितने एक्साइटेड हैं क्योंकि शादी जल्दी होने वाली है, आप लोगों के डेट धीरे धीरे बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है यार, 10th नवंबर को रिलीज हो रही है फिल्म, और ये बहुत ही प्यार से बनाई हुई फिल्म है। एक ऐसी जैसे जो अभी तक की इस साल स्पेशली जो कंटेंट डेवलपमेंट्स ने कमाल किया है उसमें ये भी शामिल है। ये भी एक बहुत ही हाई इन कंटेंट है ये फिल्म, और इसके कैरेक्टर्स बहुत रियल हैं, सब लोग बहुत रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सो वी आर वेरी होपफुल एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द 10th ऑफ नवंबर नाउ। ये लड़की थोड़ी सी अलग है, ये टेंशन लेने वालों में से नहीं है, देने वालों में से है। तो सच बोलूँ तो आई थिंक नर्वस मैं तब थी जब ट्रेलर रिलीज हुआ था। ट्रेलर रिलीज होने के बाद आई थिंक एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार से सराहा है इसको। एंड इट्स समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि अगर अगर आपको ऑलरेडी इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आई नो आपको नर्वसनेस और होनी चाहिए, बट मेरा एक्चुअली कॉन्फिडेंस फॉर सम रीज़न बढ़ गया है। तो नर्वस नहीं हूँ, क्यूट सी वो एक फुदकने वाली फीलिंग है बस। देखो मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे लिए ये सेकंड शादी हो रही है, उतना ही नर्वसनेस उतनी एक्साइटमेंट है जितनी पहली शादी में थी। तो मेरे लिए इट्स रियली लाइक प्रॉपर शादी हो रही है, हम इन दोनों की शादी करा रहे हैं। कंट्रोवर्सी बन जाएगी। प्रीति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये फिल्म की जो स्क्रिप्ट आपने पढ़ा, आपने स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोल दिया, लेकिन आपने फीस की बिल्कुल बात नहीं की, जबकि आप तेलुगु फिल्म्स करते हैं तो उसमें फीस आप ज़्यादा लेते हैं, नहीं? मैंने बहुत बार साउथ में भी, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है, आई हैव नॉट केयर्ड अबाउट द मनी। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ना, उनको अनफॉर्चुनेटली अब मार्केट बढ़ गई है, स्पेशली थैंक्स टू न्यूटन आई फील, क्योंकि एक कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म में बहुत पैसा कमाया। तो अब आई थिंक प्रोड्यूसर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, वो लोग ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि अगर आपके पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आती है, अनफॉर्चुनेटली यू डोंट फाइंड अ बैकिंग, प्रोड्यूसर नहीं मिलता है आपको। मैं उस एरा से आ चुकी हूँ, आई हैव सीन दैट इन द साउथ, कि कई बार मेरे पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आई हैं लेकिन वो पैसों की वजह से पिक्चर की बात नहीं बनी या पिक्चर ही नहीं बनी। उस दिन मैंने कसम खा ली थी, इस बात को 3 साल हो गए हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी कि आई से नो टू अ फिल्म फॉर मनी, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ फिल्म कि मेरे को लगता है कि वाई शुडंट आई गेट पेड फॉर इट। दिस वॉज वन ऑफ दोज फिल्म कि मुझे, मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मुझे एक और डर था कि अगर किसी और के हाथ में ये स्क्रिप्ट चली गई तो कोई मना नहीं करेगा। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर ये कहीं और गई तो कोई भी मना नहीं करेगा, तो मैं ही ले लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा आपको लगता है, पर मेरे लिए ऐसा कुछ प्रेशर नहीं कि अभी ऑस्कर्स के लिए भेजा है तो मुझे आई हैव टू बी मोर केयरफुल इन सेलेक्टिंग माय स्क्रिप्ट्स। मेरे जो पहले से जो मेरे एक प्रोसेस है फिल्म सेलेक्ट करने का, वो अभी भी है। मैं हर स्क्रिप्ट को अपनी पढ़ता हूँ, और जो मुझे एक्साइट करती है एज एन एक्टर, व्हिच स्क्रिप्ट व्हिच ऑफर्स मी समथिंग डिफरेंट एज एन एक्टर, आई जस्ट से यस टू इट। या ओके, कृति जी आपसे जानना चाहेंगे, मैंने जितना सुना है लोगों से कि लड़कियां मतलब शादी के पहले मतलब थोड़ा सा ये होती हैं कि मतलब नर्वस होती हैं, कुछ भी कह सकते हैं, घबरा जाती हैं कि उनका दूल्हा किस तरह का होगा, तो इस तरह की भी कुछ फीलिंग है आपको कि क्योंकि? नहीं, मैं तो अपने दूल्हे को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, ऑन स्क्रीन दूल्हे को। आई थिंक ऑफ स्क्रीन मेरा ये फंडा है कि मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं करूँगी। आई एम वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि मेरी शादी होगी तो मेरी समझ में होगी, बट कोई किसी बात की गारंटी नहीं ले सकता सर। कई बार ऐसा होता है कि आप 10-10 साल के रिलेशनशिप में होते हैं और आपकी शादी हो जाती है, लेकिन इवन दैट डजंट वर्क आउट। और कई बार आप किसी को एक ही मुलाकात में इतना पसंद कर लेते हैं, जैसे कि अरेंज मैरिजेज में काफ़ी होता है, और ज़िंदगी भर का साथ बन जाता है, तो आप फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ और भूल जाती हूँ कि प्रेजेंट में जीना है, पर अब मैं एक कॉन्शियस एफर्ट डाल रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं प्रेजेंट में जीऊँ और फ्यूचर के बारे में ना सोचूँ। इसके अलावा आप दोनों से जानना चाहूँगा कि जो मैम है वो जो है शादीशुदा है, तो मैम आपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है इनके साथ कि मतलब कैसे प्रिपेयर करना है इन दोनों को? अरे हुई नहीं शादी इनके पिक्चर में ना,
या हाँ क्योंकि आपने देखा नहीं ट्रेलर, शादी हो रही होती है जिस दिन उतनी चली जाती है, हो जाती तो मैं बता देती अभी हुई शादी। उन्होंने हमें इतना डरा दिया था शादी को लेकर कि हमने कहा चलो भाई रहने नहीं कहनी इनको शादी। अच्छा अगर राजकुमार अगर आपको अपनी वाइफ अगर चूज करनी पड़े तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, अगर कुछ बताना चाहे हमारी ऑडियंस को? क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आई डोंट नो, कंपैशनेट होनी चाहिए, मुझे बहुत प्यार करें ऑफ कोर्स, बाकी तो बस बाकी सब मैं कर लूंगा। काफी टाइम हो गया मेरे कहने से होगा क्या, चेंज तो होगा नहीं है ना, तो फिर ट्रेलर के अगर दूसरे पार्ट की मैं अगर बात करूँ, हमने जितना कि मैंने गाने में भी देखा है कि आपको ये सीबीआई ऑफिसर दूसरे ऑफिसर है जी आते हैं पति के घर फुल तोड़फाड़ कर रहे हैं, वो जो दूसरा किरदार है आपका उसके बारे में कुछ, क्योंकि शादी और दूल्हा दुल्हन तो हो गया। देखिए पहला जो है आपने कहा जो फर्स्ट हाफ में जो बहुत ही सिंपल स्वीट सा लड़का है, उस मैडली इन लव विद आरती, उसको आरती के अलावा कुछ दिखता नहीं, उसको बस शादी करनी है, बच्चे करनी है, 9 से 5 की जिंदगी करनी है, यही उसका प्लान है लाइफ में। पर ऑफ कोर्स फिर शादी वाले दिन कुछ कुछ होता है, एंड देन आफ्टर 5 इयर्स दे मीट अगेन, और उसके बाद ही इज अ डिफरेंट गाय ऑल टुगेदर, वो बहुत ही सीरियस है लाइफ के लिए, इज वेरी एम्बिशियस, इज वेरी अग्रेसिव, तो मुझे एज एन एक्टर बहुत मजा आया ये दो डिफरेंट यू नो उसके कैरेक्टर ट्रेट्स को जीने में, टोटली टू डिफरेंट पीपल एंड ही हैज प्लेड इट सो वेल, आपको लगेगा ही नहीं कि सेम इंसान ही बदल जाता है। लास्ट क्वेश्चन, आज हमारा सॉन्ग आया है मेरा इंतकाम देखेगी, या जो सब लोग बहुत उस गाने का वेट कर रहे थे, और बहुत ही ऑलरेडी काफी पॉपुलर है वो ट्रैक, उसका वीडियो आज हमने निकाला है यूट्यूब पे। हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लड़कों का दिल कभी ना कभी टूटता ही टूटता है, सब रिलेट करेंगे उस गाने। आई थिंक नाना करते हुए सब कहते हैं कि अरे वी आर नॉट होल्डिंग अ ग्रज, बट द ट्रुथ इज कि हम कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि भाई इसने मेरा दिल तोड़ा है, सड़ेगा तू वो वाली के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। थैंक्स अ लॉट गाइस। I am totally game for it. मतलब मैं क्वीन का हिस्सा था यार, मतलब मेरे से ज़्यादा तो कौन इसको सपोर्ट करेगा। मैं तो चाहूँगा कि बहुत सारी क्वीन बने, बहुत सारी लिपस्टिक अंडा बुरखा बने, और हर तरह की फिल्म्स बने। आई थिंक इट फिल्म सिनेमा इज लाइक बुफे, यू नो यू शुड सर्व एवरीथिंग टू योर ऑडियंस, इनको जो चूज करना है उनको चूज करने दीजिए। आई थिंक दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट राज, पीपल आर वॉचिंग दीज मूवीज। अगर एक्टर्स सिक्योर होते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, से फॉर एग्जाम्पल राज बहुत सिक्योर है, ही डजंट केयर कि कौन सी सेंट्रिक फिल्म है, एज लॉन्ग एज इट्स ब्रिंगिंग अ कोशेंट ऑफ कॉन्टेंट एंड एंटरटेनमेंट एट द सेम टाइम। तो आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स अब की जनरेशन के तो उस तरह से सोचने लगे हैं, एटलीस्ट दैट्स माई बिलीफ के इट्स वी आर गेटिंग देयर, एंड आई थिंक मूवीज लाइक दिस शुड बी मेड। और फिर ऐसे ही पिक्चरें बनाओ कि लोगों के पास चॉइस ना हो और यही देखना पड़े। आपको बड़ा वेट है इनकी शादी का, क्यों? इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के? हम लोग का भी यार जल्दी खत्म हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है यार, अभी बहुत टाइम है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग।